The first question which I have given here, this one is the T1. T1, T2 और यहाँ पे आपके दो ट्रांजेक्शन है T1 एंड T2. द वैल्यूज हियर आर ए डब्ल्यू ए, देन दिस वन इज द आर ए, नेक्स्ट यहाँ पे डब्ल्यू ए, नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो गिवन है दैट इज द आर बी. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में जो चेक करना, आई एम नॉट राइटिंग हियर, चेक द गिवन प्रॉब्लम इज सीरियलाइजेबल और नॉट. व्हेन दिस इज टाइप क्वेश्चन इज आस्किंग, तो यू हैव टू चेक बोथ द थिंग्स, दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एज वेल एज व्यू सीरियलाइजेबल, बोथ वी हैव टू चेक दैट. तो वॉट आई डू, आई विल राइट हियर वेरी फास्ट बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट द सीरियलाइजेबिलिटी. तो नाउ हियर टू ट्रांजेक्शंस आर हियर T1 एंड T2, देन फाइंड आउट द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन. द फर्स्ट वन इज हियर रीड, ऑब्वियसली रीड, if after the read, after read is no problem. So now the first one is having no problem, I cut that. Now take the right one. Now write A after that. Now T1 is writing the data and simultaneously you can see after some moment T2 is reading the data. So now this will be the conflict. So what I said here ki conflict situation kya kya hogi, that is if read, write ke baad read ya fir write aata hai to conflict hai, और रीड के बाद अगर केवल राइट आता है तो कॉन्फ्लिक्ट है. ये दो सिचुएशन है. तो आप देखिए राइट के बाद सेकंड ट्रांजेक्शन जो है T2 वो रीड कर रहा है, तो दिस मीन्स ये कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है. तो आपने T1 से T2 की तरफ देखा, दैट मीन्स राइट के बाद अगर आपको T2 में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है कि रीड हो रहा है या राइट हो रहा है, तो हम कहेंगे तो हमारे पास T1 से T2 की तरफ मैंने एक एरो बनाया बिकॉज आई एम रीडिंग, आई मीन अभी हम इस सिचुएशन पे खड़े हैं, दैट मीन्स यहाँ पे राइटिंग की सिचुएशन पे, और हमने देखा कि सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या इस राइट किए हुए डेटा को रीड कर रहा है. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन थी, दैट मीन्स एक कॉन्फ्लिक्ट हमें यहाँ पे मिला. तो हमने यहाँ पर T1 से T2 की तरफ, क्योंकि T1 पहले काम करेगा फिर T2 करेगा. नाउ इसका काम भी खत्म हो गया, आई मीन ये सिचुएशन से हट गए. अब हम आ जाएं इस रीड के बाद. तो रीड में अगर हम रीड ए देख रहे हैं, तो अगर कोई ऑपरेशन राइट हो रहा है T1 में, यस राइट हो रहा है यहाँ पर, तो आप कह सकते हैं कि दूसरी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हमें ये मिलेगा. कॉम्बिनेशन जो सर्कल कर रही हूँ कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स इस रीड के बाद दूसरा ट्रांजेक्शन यहाँ पे राइट कर रहा है ए का डेटा, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है. रीड के बाद राइट वाली सिचुएशन आ रही है, तो इसका मतलब आप T2 पे खड़े थे अभी और आपको यहाँ पर T1 पे कॉन्फ्लिक्ट दिखा, तो आपने यहाँ पर एक एरो बना दिया, दैट इज T2 से T1 की तरफ आ गया. अब यहाँ पे ये काम खत्म हो गया. हमेशा जो है हम नीचे की तरफ का डेटा देखते हैं. अगर हम यहाँ पे R के पास खड़े हैं, तो हम इसके नीचे की तरफ जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उन पे हम ध्यान देंगे, ऊपर क्या हो चुका उसको भूल जाएंगे, क्योंकि वो काम डन हो चुका है. इसके बाद जो काम होने वाला है, विच द वर्क इज गोइंग ऑन, आई एम टॉकिंग अबाउट द कौन सा ट्रांजेक्शन अभी चलेगा. जो ऊपर के ट्रांजेक्शन हम एज्यूम करते हैं कि वो हो चुका है, तभी तो इसका नंबर आया लाइन में खड़े होने पे. तो ना अब यहाँ पे हम आ चुके हैं, इसका काम खत्म हो गया, तो ना इसके पास आया. तो इसके बाद आप देखिए T2 में कुछ काम ही नहीं हो रहा है, यानी सेम ही ट्रांजेक्शन पे रीड राइट हो रहा है और ये डेटा बी है. तो इसका मतलब है कि हमारे पास केवल ये ग्राफ आएगा, दैट मीन्स प्रेसिडेंस ग्राफ आप देख सकते हैं एक लूप बना रहा है, T1 से T2, T2 से T1, एक आई मीन साइक्लिक प्रोसेस परफॉर्म हो रही है. और जब साइक्लिक होता है दैट मीन्स यहाँ पर लूप आ गया, लूप एग्जिस्ट हो रहा है. और मैंने आपको बताया कि अगर लूप एग्जिस्ट हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, दैट इज अ नॉन कॉन्फ्लिक्ट. ये कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन नहीं है, दैट मीन्स जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट थी अगर उन कॉन्फ्लिक्ट को हम यहाँ पर एडहर करें, आई मीन देखें, तो अगर हमें लूप नहीं मिलता तो हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, बट यहाँ पर तो लूप मिल रहा है, तो आप कहोगे नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा ये. अब अगर ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आई मीन हम यहाँ पे इसे नहीं छोड़ सकते, वी हैव टू चेक फॉर द व्यू ऑल्सो. कारण क्या, ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो हमें, हमारे पास जो सीरियलाइजेबिलिटी है, मैंने आपको जो पढ़ाया है कि सीरियलाइजेबल अगर हमको चेक करना है किसी प्रॉब्लम का, तो हम दो बार चेक करते हैं. एक तो हम देखते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट है क्या, और दूसरा क्या है हमारे पास, व्यू सीरियलाइजेबल. कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंड व्यू सीरियलाइजेबल, अगर हम सीरियलाइजेबल में सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट चेक करते हैं, अगर हमें कॉन्फ्लिक्ट मिल जाता है तो हम ऑटोमेटिक कह देंगे भाई तुम व्यू भी हो. अगर वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिलता बल्कि नॉन कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो हमें सेकेंड प्रोसेस पे जाके उसे चेक करना पड़ेगा कि क्या ये व्यू है कि नहीं है. तो हमें यहाँ पर देखना होगा, अब ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट आ गया, देन आई हैव टू डू द व्यू प्रोसेस. व्यू के लिए मैंने आपको बताया था कि
यहाँ पे देखिए दो ही ट्रांजेक्शन है T1 और T2। अगर मैं इनके ऑर्डर की बात करूँ तो T1 आफ्टर T2 एग्जीक्यूट कर सकता है या T2 आफ्टर T1। एंड आप एक सीरियल शेड्यूल फाइंड आउट करना चाहें तो अगर दो ही ट्रांजेक्शन है तो दो सीरियल शेड्यूल मिलेगा, दैट इज अ T1 आफ्टर T2। एंड और यू कैन से कोई कह सकता नहीं जी पहले T2 काम कर लेगा फिर T1, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दो है तो आप यहाँ पे फैक्टोरियल 2 ले लीजिए तो आपको दो ही ऑर्डर मिलेंगे, इसका मतलब दो सीरियल ऑर्डर बनेगा। यहाँ पे देखिए नॉन सीरियल ऑर्डर है, नॉन सीरियल ऑर्डर में आप देखिए कभी T1 काम करता है कभी T2 कभी, तो इस तरह से ये जिगजैग मोशन में काम कर रहा है। आई मीन कोई ऑर्डर नहीं है कि पहले T1 कर ले कोई T2 कर ले, वो ऑर्डर जहाँ पर होगा उसे हम सीरियल शेड्यूल बोलते हैं। तो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के लिए हमें क्या करना है, एक ऑर्डर फाइंड आउट करना है कि भाई ये जो सीरियल ऑर्डर हमने दो फाइंड आउट करे इन दोनों में से कोई इस नॉन सीरियल के इक्वलेंट है क्या। आई मीन शक्ल में देखने में नहीं लगेंगे बट इनका जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर होगा, काम करने का जो रिजल्ट होगा, फाइनली जो आउटपुट होगा वो दोनों सेम आएगा। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि T1 सॉरी इसको मान लीजिए मैंने S दे दिया और ये जो सीरियल ऑर्डर है उसको S- हम दे दें, तो S और S- को हम इक्विवेलेंट प्रूफ करते हैं कि अगर हमने एक सीरियल ऑर्डर ले लिया और उस सीरियल ऑर्डर को इस नॉन सीरियल ऑर्डर के इक्विवेलेंट प्रूफ कर देते हैं तो हम बोलते हैं वो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी है। तो अब यहाँ पर देखती हूँ मैं एक सीरियल ऑर्डर खुद ही बना लेते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर मैं ले लेती हूँ ये रहा T1, बिकॉज आई हैव टू सीरियल ऑर्डर हियर जस्ट नाउ आई हैव क्रिएटेड, वन इज द T1 टेंस टू T2 एंड दूसरा जो है हमारे पास T2 टेंस टू T1। तो आई एम जस्ट टेकिंग T1 टेंस टू T2, तो इसका मतलब है T1 जो है पहले सारा काम करेगा, दैट मीन्स ये ले लिया मैंने। एंड देन इसके बाद अगेन यहाँ पर राइट ऑपरेशन है एंड देन रीड बी है, एंड जब ये काम खत्म कर लेगा तो T2 का ये रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा जब T1 फिनिश कर लेगा। तो ये हमने इसको नाम दे देते हैं S- और इसको ले लेते हैं S। ओके तो यहां पर अभी देखिए हमने देखा कि लूप था, लूप होने के कारण मैंने इसे बोला कि ये नॉन सीरियलाइजेबल है। अब नॉन सीरियलाइजेबल है तो इसको हमें प्रूफ करना है कि क्या ये व्यू सीरियलाइजेबल है कि नहीं, तो लेट्स डू दैट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि ये मेरे पास S है और दूसरा जो है ये S- है। अब हम यहाँ पे इनिशियल रीड करेंगे, मेरी राइटिंग इस पेन से बहुत अच्छी नहीं है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर फाइनल राइट करेंगे, तीसरी जो कंडीशन है व्यू की वो है राइट रीड ऑपरेशन, यानी राइट के बाद अगर कोई इंटरमीडिएट रीड ऑपरेशन, ये राइट रीड अपडेट भी बोलते हैं इसे, तीसरा जो ये इंटरमीडिएट सिचुएशन आई मीन इंटरमीडिएट रीड राइट ऑपरेशन है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि S, ये जो हमारे पास S, इसमें सबसे पहले, और ये देखो यहाँ पे दो डेटाबेस है तो ये मैंने A के लिए बनाया, सेम ऐसे ही तीन रो जो है आप B के लिए भी बनाओगे, ठीक है। ये A के लिए मैंने बना लिया और यहाँ पर देखिए मैंने पहले से एज्यूम कर लिया, लेकिन अगर यही क्वेश्चन बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे दो ही सीरियल ऑर्डर मिले थे मुझे T1 T2 और T2 T1, तब तो हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया, आगे के क्वेश्चन में मैं डिस्कस करूंगी, आई विल नॉट डू दिस कि हमने कैसे एज्यूम करना है। यहाँ पे मैंने बना लिया एक सीरियल ऑर्डर, आपको बनाने की भी जरूरत नहीं, आप अपने आप सीरियल ऑर्डर गेट कर सकते हैं। तो नाउ यहाँ पर देखिए S लिया मैंने, S का इनिशियल रीड क्या है, S का इनिशियल रीड यहाँ पे आप देख सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे सबसे पहले जो काम करना स्टार्ट कर रहा है वो T1, दैट मीन्स A को जो सबसे पहले रीड कर रहा है वो T1 कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे T1 लिख दिया। नाउ S- में अगर आए तो यहाँ पर देखिए इसका भी जो रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वो T1 कर रहा है, अभी T2 तो बाद में करेगा, तो यहाँ पे भी मैंने T1 लिख दिया। नाउ फाइनल राइट S में देखें हम यहाँ पे क्या है, फाइनल राइट A का देखिए आप यहाँ पर हो रहा है, ये जो सर्कल बना रही हूँ मैं, तो दैट इज नथिंग बट यहाँ पर देखिए फाइनल राइट यहाँ पर होगा, ये वाला जो राइट है वो इंटरमीडिएट है, सबसे लास्ट में A का डेटा कौन राइट कर रहा है, T1 या T2, तो हमने देखा T1 राइट कर रहा है, देन आई विल राइट हियर T1। नाउ सिमिलरली S- पे आ जाएं तो लास्ट में सबसे लास्ट में जो राइट ऑपरेशन हो रहा है डेटा A पे, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेटा A, देन यहाँ पर भी क्या है T1, क्योंकि T1 ही काम कर रहा है, यहाँ पे T1 लिख दिया। नाउ इंटरमीडिएट राइट रीड ऑपरेशन अगर आप देखिए तो ये तो इनिशियल की कैटेगरी में चला गया, ये फाइनल की कैटेगरी में चला गया। अब यहां पर देखिए राइट रीड ऑपरेशन का मतलब हुआ कि यहां पे देखिए ये राइट हुआ,
इस राइट के बाद आई मीन एक डेटा अपडेट हुआ इंटरमीडिएट, तो इसको रीड कौन कर रहा है? आई मीन ये रहा, देखिए ये बचा हुआ है, ये इनिशियल के उसमें नहीं आया ना, तो ये राइट के बाद यहाँ पर देखो ये रीड हो रहा है इस राइट के बाद। फाइनल राइट की बात भी आप कर सकते हो कि ये देखिए राइट ऑपरेशन के बाद यहाँ पे रीड, क्योंकि अपडेट होने के बाद वो डेटा रीड हो रहा है। अगर अपडेट नहीं हो रहा, मान लीजिए इस रीड के बाद ये भी रीड कर रहा होता तो हम उसे इनिशियल रीड में लेके जाते, बट यहाँ पे क्या है राइट ऑपरेशन के बाद ये परफॉर्म हो रहा है। तो आप एस डैस में देखें तो यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं कि ये टी वन का, जब टी वन ने डेटा अपडेट किया तो टी टू ने उसे रीड किया, तो हम यहाँ पर ऑर्डर बना सकते हैं, दैट मीन्स टी वन से टी टू का है, हमें दिख रहा है ना टी वन का अपडेट हुआ तो ये टी टू जो है उसे रीड कर रहा है, तो ये क्योंकि राइट रीड अपडेट की बात हम कर रहे हैं तो दैट मीन्स टी वन टी टू। और बहुत जगह आप देखोगे तो ये केवल लोग टी वन लिख देते हैं कि फाइनली यहाँ पर जो राइट रीड ऑपरेशन हो रहा है, बट आई ऑलवेज राइट हियर कि टी वन से टी टू अपडेट हो रहा है, भाई टी वन ने अपडेट किया तो उसे उस राइट को रीड कौन कर रहा है, हमारे पास ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो दैट मीन्स टी वन टू टी टू। नाउ अगेन अगर हम यहाँ पे एस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अपडेट परफॉर्म हुआ, इस अपडेट के बाद आई मीन ये वाला तो फाइनल में चला गया और ये इनिशियल में चला गया, तो इंटरमीडिएट जो डेटा हमारे पास बचा ए के लिए, ये दो पेयर बचे ये, तो आप देख रहे हैं कि टी वन जो है यहाँ पे राइट कर रहा है तो टी टू उसे अपडेट कर रहा, आई मीन रीड कर रहा सॉरी। तो यहाँ पर भी जो सीक्वेंस आप देखेंगे तो वो भी क्या आ रहा है, टी वन टेंस टू टी टू आ रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर एस हमारा था जो कि गिवन प्रॉब्लम था, एस डैस हमने खुद बनाया था, एक सीरियल ऑर्डर हमने खुद लिया था, इट्स नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, हमने एज्यूम किया था कि अगर ये नॉन सीरियल ऑर्डर है तो इसका सीरियल ऑर्डर क्या हो सकता है, तो आई टुक हियर एस डैस। आप दूसरा भी ले सकते थे कि पहले टी टू से काम करा लेते फिर टी वन, तो भी आप निकाल सकते थे, मैंने केवल एक को ही चेक किया। अब हम देखते हैं कि इसका इनिशियल रीड सेम है, इसका फाइनल राइट भी सेम है, इसका राइट रीड ऑपरेशन भी देखिए तो टी वन टेंस टू टी टू, तो आप देख रहे हैं तीनों केसेस इसके सेम है। जब इसके तीनों केसेस सेम है तो हम ये कहेंगे, अब हाँ बात आती है बी की, बी अब अगर हम देखें तो बी यहाँ केवल रीड ऑपरेशन हो रहा है और आप जानते हो रीड से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, इसलिए मैंने बी का चेक नहीं किया, लेकिन अगर बी के और भी ऑपरेशन होता, आई मीन डेटा बी पे अगर रीड राइट दोनों ऑपरेशन होता तो आई विल चेक दैट। तो अभी हमने एक ही डेटा का चेक करके यहाँ पे जवाब दे दिया, क्योंकि बी डेटा का कोई खास रोल इसमें नहीं दिख रहा है, एक बार ही वो काम कर रहा है, वो भी रीडिंग ऑपरेशन, और रीडिंग से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं अराइज होता है, तो हम यहां पर बोल देंगे कि यस एस डैश इज इक्विवेलेंट टू एस, या एस डैश इज व्यू, यहां पे लिखेंगे व्यू इक्विवेलेंट टू एस, तो आप यहां पे कह सकते हो कि यस यहां पर जो एस है हमारा वो नॉन कॉन्फ्लिक्ट तो है बट ये व्यू सीरियलाइजेबल है। तो आपने देखा कि अगर एक सीरियलाइजेबिलिटी नहीं आई एक तरीके से तो हम दूसरा तरीका अपनाते हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्यू सीरियलाइजेबिलिटी प्रैक्टिकल यूज के लिए नहीं होता है बट ये कॉन्सेप्चुअल यूज के लिए देखा जाता है, प्रैक्टिकली हम केवल कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए, बट इन टर्म्स ऑफ द प्रैक्टिकल यूज हम व्यू को नहीं कंसीडर करते, केवल थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो व्यू को कंसीडर किया जाता है। तो यू मस्ट नो कि व्यू सीरियलाइजेबल क्या होता है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आ जाता है कि चेक द सीरियलाइजेबिलिटी देन यू हैव टू चेक बोथ द थिंग्स, दैट मीन्स कॉन्फ्लिक्ट और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। तो दिस वन इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, इफ एनीबडी हैव एनी डाउट यू कैन आस्क हियर। सामर्थ ये चीज क्लियर हुई? अच्छा, यू हैव द डाउट इन द थर्ड क्वेश्चन, आई विल राइट दैट वन। आई विल टेक द सेकेंड प्रॉब्लम।
सेकेंड प्रॉब्लम सामर्थ ने सही बताया है. ओके आई विल टेक द थर्ड प्रॉब्लम विच सामर्थ हैव द प्रॉब्लम. ओके सेकेंड बता देती हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने किया ही नहीं है. सेकेंड एग्जाम्पल ये था T1, T2, T3. दैट इज आर एक्स आर वाई आर एक्स आर वाई आर जेड डब्लू वाई डब्लू जेड. देन अगेन यहां पर आर जेड डब्लू एक्स डब्लू जेड. ये है मेरा सेकेंड प्रॉब्लम जो मैंने आप लोगों को कल दिया था. यहां पर देखिए तीन ट्रांजेक्शन है, तो आई विल राइट हियर थ्री नोड T1, T2 एंड T3. ये थ्री नोड्स बना लिए. एंड बाय द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आई विल डू वेरी फास्टली. आई थॉट कि आप सबको पता ही है, यहाँ पे इतने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर चुकी हूँ मैं. तो नाउ दिस इज द, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस एक्स को हमने उठाया. इस एक्स का आप देखिए T2 एंड T3 में कहीं राइट ऑपरेशन हो रहा है क्या? मुझे कहीं नहीं दिख रहा है. पूरे उस प्रॉब्लम में कहीं पे भी एक्स T2 एंड T3 में नहीं दिख रहा है राइट ऑपरेशन. तो इसका मतलब इसका रोल खत्म. नाउ अगर हम यहाँ पे वाई को उठाते हैं, वाई अगर यहाँ रीड ऑपरेशन है, तो हम यहाँ T2 एंड T1 में देखेंगे वाई कहीं राइट ऑपरेशन है क्या? नहीं, रीड मिल रहा है बट राइट कहीं नहीं मिल रहा है. तो इसका मतलब इसका भी काम खत्म. आई मीन इससे भी हमें कोई एरो नहीं ड्रॉ करेंगे. नाउ यहाँ पे रीड एक्स हो रहा है. अब आप देख सकते हैं T3 में रीड एक्स हो रहा है. तो अगर हम रीड कर रहे हैं तो इसके अपोजिट हमें राइट एक्स कहीं पे ढूंढना होगा T2 एंड T1 में. यस आई गॉट हियर दैट इज T1 इज हैविंग. तो यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया आपको यहाँ पे ये. तो ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, तो आपने देखा T3 से हम कहाँ जाएंगे? T1 पे. तो T3 से T1 एक एरो आप ड्रॉ कर देंगे. नाउ दिस ऑपरेशन इज ऑल्सो फिनिश्ड. नाउ T2 इज रीडिंग डेटा वाई, रीड कर रहा है. तो इसके कॉन्फ्लिक्ट हमें यहाँ पर राइट वाई कहीं पे होना चाहिए. बट यस आई गॉट हियर T3 में एक राइट वाई है. तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट हमें मिला. इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए हम ड्रॉ करेंगे T2 से लेके T3 एक एरो ड्रॉ कर देंगे. नाउ नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी हमारा खत्म हो गया. आर जेड यहाँ पर रीड हो रहा है, तो इसका कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा? राइट जेड होगा. राइट जेड हमें T3 में तो नहीं दिखा, लेकिन T1 में हमें दिख रहा है. देखिए T2 में भी दिख रहा है, बट डोंट टेक T2 क्योंकि उस जहाँ पे हम खड़े हैं वहीं पे नहीं देखेंगे, उसके अपोजिट ट्रांजेक्शन्स पे देखेंगे. दैट मीन्स इस रीड के लिए हम यहाँ पर मुझे मिला दैट इज दिस वन. ये T1 में मिला मुझे राइट जेड, तो मैंने इसे ले लिया. दिस वन इज द कॉन्फ्लिक्ट दैट इज अ T2 टू T1. T2 से T1 एक कॉन्फ्लिक्ट हमें मिला, हमने एक एरो ड्रॉ कर दिया. नाउ इसका रोल भी खत्म हो गया. वाई है यहाँ पर, बट वाई अभी दूसरे ट्रांजेक्शन में कहीं पे भी नहीं हो रहा है, तो ये भी खत्म हो गया. नाउ डब्लू जेड है यहाँ पर, और डब्लू जेड है तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट हमें यहाँ पे मिलेगा इसके लिए, ये और दूसरा ये मिला यहाँ पे. T1 में ही मिल रहा, दैट इज T2 टू T1. T2 से T1 ऑलरेडी ड्रॉ है, तो इसका मतलब इसका भी रोल खत्म हो गया. दो बार एक काम के लिए एरो नहीं करेंगे. अब जो भी ट्रांजेक्शन्स बचे हैं वो हमारे T1 के हैं, तो T1 में होने से हम अपोजिट में कुछ नहीं दिख रहा है, तो नो नीड टू चेक दैट. आप कह सकते हैं कि इनका भी वर्क फिनिश हो गया. तो हमारे पास ये एक ग्राफ आ गया. इस ग्राफ में अगर आप देखें तो आपको लग रहा होगा तीनों कनेक्टेड है, बट इट इज नॉट द लूप. आप T2 से चल रहे हैं T1 तक तो पहुंच जा रहे हैं, बट T1 से T2 वापस नहीं जा पा रहे, उल्टा एरो है यहाँ पे. तो यू कैन नॉट से दिस वन इज द लूप. इट इज नॉट लूप, नॉट अ लूप. ये लूप नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कहोगे? ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है. जब लूप नहीं मिला तो आपने कह दिया जी ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है. एज पर द रूल आई टोल्ड कि अगर कोई शेड्यूल यहाँ पर गिवन है, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो हम उसे क्या कहेंगे? व्यू भी बोलेंगे. अगर वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है तो फिर हम व्यू चेक करते हैं. तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ये व्यू सीरियलाइजेबल भी होगा. आई एम नॉट गोइंग टू चेक, बट आप लोग प्रैक्टिस में चेक करिएगा. आप लोग ट्राई करिएगा कि मैम ने अगर इसे व्यू बोला है तो आप वो जो मैंने रूल्स बताए हैं अकॉर्डिंग टू दैट आप वहाँ पे चेक करिएगा. मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रही हूँ बिकॉज आई नो कि ये व्यू भी होगा. एज पर द रूल कि अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो वो व्यू होगा ही होगा. व्यू हम कब चेक करते हैं? जब वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता. तो नाउ अगर ये व्यू आ गया तो
या कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसका मतलब इसका कोई सीरियल ऑर्डर भी होगा। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी है, तो इसका एक ऑर्डर होगा जिस ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट कर रहा होगा। तो लेट्स डू दैट कि व्हाट विल बी दैट ऑर्डर। तो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसको कैसे ऑर्डर आप फाइंड आउट। अब देखिए यहाँ पे तीन है, तो आप कहोगे फैक्टोरियल थ्री, तीन ट्रांजेक्शन है, तो दैट मीन्स सिक्स ऑर्डर, आई मीन सिक्स कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसके एग्जीक्यूशन के। बट उस सिक्स में से कोई एटलीस्ट एक तो जरूर होगा जो सीरियल ऑर्डर इसके इक्विवेलेंट होगा, तो हमें वो देखना है। आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई ऑल दीज सिक्स कॉम्बिनेशन, हम इस ग्राफ से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे किसके पास जीरो इंसिडेंस है, जीरो इनकमिंग एजेस है। तो आप देखिए यहाँ पर T2 के पास जीरो इनकमिंग एजेस है, इसके यहाँ डिग्री अगर मैं निकालूँ तो इनकमिंग एजेस की जीरो होगी, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसकी वन होगी और इसकी टू होगी। तो आप यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करोगे जीरो से, दैट मीन्स सबसे पहले T2 काम करेगा। T2 को मैंने ले लिया, T2 के बाद अब हम क्या करेंगे, इस T2 को जो जीरो ऑर्डर था उसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। भाई मेरे पास ऑप्शन है रिमूव करने का, आप ये देखो आप उसको हाथ से अपने हाइड कर सकते हो और उसके बाद कर सकते हो। अब यहाँ पर इन दोनों में कंपेयर करें तो इसका जीरो ऑर्डर होगा और इसका वन ऑर्डर होगा, आई मीन एक ही लाइन बच रही है। तो अगेन अब हम जीरो वाले को उठा लेंगे, दैट मीन्स T3 आएगा, एंड जब T3 को रिमूव करोगे तो ऑब्वियसली ये बात है कि यहाँ पे T1 ही बचेगा। देन द ऑर्डर विल बी, जो सीरियल ऑर्डर इस नॉन सीरियल के इक्वलेंट होगा, दैट इज द T2 टेंड्स टू T3 T1। तो ये हमारा एक सीरियल ऑर्डर यहाँ पर आएगा जो कि इस नॉन सीरियल, ये जो नॉन सीरियल हमारे पास प्रॉब्लम गिवन था पैरेलल एग्जीक्यूशन का, उसका सीरियल ऑर्डर, आई मीन सीरियल इक्विवेलेंट, यू कैन से दिस वन इज एस, तो ये हम इसे एस डैश एज्यूम कर सकते हैं। अभी पीछे वाले प्रॉब्लम में आपने देखा था एस मैंने पहले से बना लिया था, बट इसमें क्या था, मैंने यहाँ इस ग्राफ से क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट आया था तो मैंने इसका सीरियल ऑर्डर निकाल लिया, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं आया था, वो नॉन कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, तो फिर मैंने उसका व्यू बनाया और उसके बाद वहां पर पता किया कि किसके इक्विवेलेंट है। तो दिस इज द वे यू कैन डू। आप देख रहे हो कि हर क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है सॉल्व करने का तरीका। नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि सेकंड क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा। इफ एनीबडी हैव एनी कंफ्यूजन कैन आस्क हियर। नोबडी इज हैविंग द डाउट, कोई भी मैसेज नहीं आया। ओके लेट्स डू द थर्ड वन। थर्ड वन क्वेश्चन यहां पे सॉल्व कर रही हूं मैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन जिसमें सामर तुम्हें प्रॉब्लम है, यहां पे मैंने क्वेश्चन दे रखा था, आई विल राइट हियर T1। थर्ड क्वेश्चन ये था T1 T2, इसको मैंने एक ऑर्डर में दे रखा था, आप उसे टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, कल मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे गिवन है RB, देन WA, एंड उसके बाद है आपका RA, देन T3 में यहाँ पर है फिर से रीड ऑपरेशन, देन WB, अगेन WB, देन WB। दिस इज द प्रॉब्लम हियर गिवन। आई विल डू हियर ग्राफ बनाना है, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया हमने, एक ग्राफ बना लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रीड बी की बात करें, तो अगर ये रीड कर रहा है तो इसके इक्विवेलेंट कहीं पे राइट बी होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ T1 में इसका राइट हो रहा है, आप कहोगे T2 में भी हो रहा है, इसको हम नहीं लेंगे, और साथ ही साथ T3 में भी राइट हो रहा है बी। तो इसका मतलब है T2 से एक एरो T1 की तरफ आएगा और एक एरो T3 पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो एरो मैंने बनाए हैं, यहाँ पे कहाँ कहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट होगा ये। नाउ इसका काम खत्म हो गया, मैंने इसे कट कर दिया। नाउ अब हम सेकंड वाले ट्रांजेक्शन पे या इंस्ट्रक्शंस पे आ गए, तो ये इंस्ट्रक्शन देखिए राइट ए, राइट अगर ए हो रहा है तो इसका कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, देखिए एक तो ये रीडिंग वाला होगा और यहाँ पर भी होगा, ये दोनों दिख रहे हैं हमें कॉन्फ्लिक्ट। तो दैट मीन्स T2 से अगेन T1 की तरफ और T3 की तरफ, तो ऑलरेडी एरो है तो आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ वंस अगेन, तो इसका भी काम खत्म हो गया। अब इस रीड के बाद अगर कहीं ए राइट हो रहा है तो देखें इस रीड के बाद तो कोई राइट नहीं हो रहा है, इस रीड के बाद भी कहीं राइट ऑपरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। नाउ राइट बी यहाँ पे अगर हम इसको खड़े हैं तो हमें देखो यहाँ पे भी एक राइट हो रहा है, यानी कि एक कॉन्फ्लिक्ट ये मिला, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ये मिल रहा है।
दो कॉन्फ्लिक्ट है, यानी T1 से T2 जाएंगे एंड देन आप T1 से T3 भी जा रहे हैं, आपने एक एरो यहाँ पे भी ड्रॉ कर दिया, तो ये इसका रोल खत्म हो गया। अब हम इस वाले पे आएंगे, अगर हम इसकी बात करें तो इसके पास एक ही कॉन्फ्लिक्ट होगा T3 में, दैट इज T2 to T3, ऑलरेडी ड्रॉ है T2 से T3, तो इसका भी रोल खत्म। अब ये अकेला बचा है तो ये ऑटोमेटिक खत्म। तो आप देख रहे हैं इस ग्राफ में लूप मिल रहा है, दैट इज अ T1 से T2, T2 से T1, अगेन ये देखिए यहाँ पर ये जो लूप है यहाँ पे आपको दिख रहा है, पूरे ग्राफ में भी मिल रहा है अगर आप ध्यान से देखें, नहीं मिल रहा है, नहीं पूरे ग्राफ में नहीं, लेकिन T1 से T2 के बीच में लूप मिल रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉन कॉन्फ्लिक्ट। ये एक भी छोटा भी लूप मिल गया तो हम कहेंगे भाई तुम नॉन कॉन्फ्लिक्ट हो, ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट आया है तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि अगर ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट है तो हम अब इसके लिए व्यू चेक करना पड़ेगा। आपके ग्राफ ने ये बता दिया कि ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट है, तो व्यू कैसे हम देखेंगे, हमें वो देखना है। तो आई विल डू हियर ओनली, इसको यहीं मैं कर देती हूँ। लूप से पता चल गया कि ये जो है सामर्थ्य, ये तुम्हें इसी प्रॉब्लम में प्रॉब्लम थी, मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे, तो लेट्स डू दैट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास दो डेटा है, दैट मीन्स ए और बी है, यस ए और बी। तो मैंने यहाँ पर एस और एस डैश नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे तीन है, तो यहाँ पे तीन हमें नहीं पता कि 6 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, उन 6 में से कौन सा मैं लूँ, तो आई विल डू दिस बाय दिस, और यहाँ से हम शेड्यूल फाइंड आउट कर लेंगे। दिस वन इज द अनदर मेथड, यू कैन फाइंड आउट डायरेक्टली कि वो 6 में से कौन सा होगा जो इस नॉन सीरियल के, तो इनिशियल रीड ले लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं फाइनल राइट। नेक्स्ट हम जो लेंगे दैट इज अ राइट रीड ऑपरेशन या अपडेट जिसे आप बोलते हो वो। अब यहाँ पे देखिए ए एंड बी, अब हम देखते हैं डेटा ए, डेटा ए की अगर हम बात करें तो इनिशियल रीड यहाँ पर अगर हम देखें कहाँ पर परफॉर्म हो रहा है इनिशियल रीड, तो अगर आप देखें यहाँ पे, अच्छा मैंने इसे बहुत गंदा कर दिया है, एक सेकेंड रुक जाओ थोड़ा सा साफ कर देती हूँ। तो ये जो है हमारा राइट ऑपरेशन है, ये रीड है और ये भी राइट है, ये भी रीड ऑपरेशन है आपका यहाँ पर, आई थिंक इतना क्लियर होगा आपको। तो नाउ यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि ये जो अब देखो यहाँ पे पहली लाइन पे आ जाओ, तो सबसे पहली लाइन पे आप देखो रीड बी हो रहा है, यानी कि इनिशियल रीड जो है वो कहाँ पे हो रहा है, ये तो बी का डेटा सबसे पहले कौन रीड कर रहा है, T2, तो मैंने यहाँ पे T2 लिख दिया। ओके नाउ अब देखिए यहाँ पर आप कहोगे रीड तो यहाँ पर ए भी कर रहा है, T1 कर रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है, इनिशियल रीड नहीं हो रहा है, आई मीन रीड होने से पहले T2 ने ब्लाइंड राइट कर दिया। ब्लाइंड राइट उसे कहते हैं जब रीड ना हो और डेटा को राइट कर दिया जाए, बिना देखे ही आपने वहां पे अपडेट कर दिया, आपको पता नहीं था कि आपके अकाउंट में 5000 थे और आपने उसमें 5000 और डाल दिया, ये सोच के कि मिनिमम बैलेंस तो 5 होना चाहिए, आपको पता ही नहीं था आपके अकाउंट में कितना था, तो आपने क्या किया, ब्लाइंडली आपने जाके वहां पे 5000 डाल दिया, तो यानी कि और अपडेट जो हो गया वो 10000 हो गया, आपका पैसा गया कहीं नहीं लेकिन आपको पता नहीं था, तो यानी बिफोर रीडिंग द डेटा यू अपडेटेड योर अकाउंट। तो यहाँ पे क्या है कि आपने रीडिंग नहीं किया पहले ए पर, आपने राइटिंग परफॉर्म कर दिया, तो इसका मतलब इनिशियल रीड यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं बल्कि इनिशियल राइट हो गया है, वो है ना अपडेट हो गया, जिसे ब्लाइंड राइट बोलते हैं ना। तो हम यहाँ पे इसे ब्लैंक छोड़ेंगे कि ए का जो है इनिशियल रीड था, नहीं था बल्कि वो अपडेट हो रहा था। अब हम आते हैं यहाँ पर फाइनल राइट, ए और बी में फाइनल राइट यहाँ पर देखें, तो सबसे लास्ट राइट ऑपरेशन अगर हम बात करें तो ए का देखिए बाकी दो तो रीड है, केवल यही है, यानी कि ये जो राइट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था इसी को हम कहेंगे फाइनल राइट है। क्यों कहेंगे, क्योंकि और कहीं पे हुआ ही नहीं, तो फाइनल राइट अगर हम यहाँ पर ए की बात करें तो ये T1 हो गया, और अगर हम बी की बात करें तो बी कहाँ सबसे लास्ट परफॉर्म हो रहा है इसका, ये यहाँ पे भी राइट ऑपरेशन है, यहाँ पे भी अपडेट हो रहा है, बट सबसे फाइनली लास्ट में कहाँ हो रहा है, वो T3 पे हो रहा है, तो हम यहाँ पे फाइनल राइट T3 लिखेंगे बी के केस में। नाउ अब इंटरमीडिएट राइट रीड ऑपरेशन की अगर हम बात करें, इंटरमीडिएट यहाँ पे बात करें तो इंटरमीडिएट की अगर हम बात करें तो आप देखिए यहाँ पर जिसे आपने आप फाइनल बोला था, फाइनल तो है लेकिन अगर आप देखिए तो इंटरमीडिएट का काम कर रहा है ए के लिए। अगर हम बात करें तो देखिए इस राइट के बाद यहाँ पर रीडिंग परफॉर्म हुआ, मैंने बोला था राइट
रीड कॉम्बिनेशन कहीं पे आ जाए इंटरमीडिएट बीच में, तो ये बीच में ही आ रहा है, कहने को ये फाइन। इस राइट के बाद यहाँ पर ये डेटा रीड हो रहा है टी वन के द्वारा, इसी तरह से ये भी, तो आप कह सकते हो क्या ऑर्डर होगा, टी टू से टी वन की तरफ जा रहा है ये, आई मीन किसने रीड अपडेट किसने किया था, टी टू ने, और रीड कौन कर रहा है, टी वन, एक तो ये हो रहा है और दूसरा देखो ये भी है टी टू से टी थ्री की तरफ भी जा रहा है, टी टू से टी थ्री भी जा रहा है, तो मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ बी के केस में अगर हम देखें तो इस राइट ऑपरेशन के बाद, आई मीन ये भी एक राइट है बट कहीं पे भी डेटा बी जो है रीड नहीं हुआ, वो तो ऊपर रीड हुआ इनिशियल में चला गया, बट इस राइट के बाद कहीं पे भी बी डेटा जो है रीड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इसके पास यहाँ ब्लैंक है, इसका कुछ भी काम नहीं हुआ। अब हम यहाँ पर देखें कि ए और बी, देखो ए और बी से हम ऑर्डर कैसे पता करेंगे, अगर आप देखें दोनों ही डेटा है बट हम इसे एक शेड्यूल बोल रहे हैं, इस शेड्यूल में दो लोग पैरेलली काम कर रहे हैं जो कि डेटा जो है ए और बी है, टी वन टी टू, सॉरी तीन लोग पैरेलली काम कर रहे हैं, टी वन टी टू एंड टी थ्री, ये जो तीन लोग काम कर रहे हैं ये दो डेटा पे काम कर रहे हैं, तो दोनों डेटा से आई मीन दोनों लोग तीन लोग अलग अलग डेटा पे काम कर रहे हैं, तो हमें किसी एक डेटा से भी अगर जवाब मिल जाता है, किसी एक डेटा ने भी अगर मुझे जवाब दे दिया कि ए और बी जो काम कर रहे हैं उससे कोई ऑर्डर मिल जाए, यस, अब हम देखेंगे यहाँ पे बी ए तो नहीं बता पा रहा है पर बी बता पा रहा है कि इनिशियल रीड ये है और फाइनल राइट ये है, ठीक। अब आपको पता है कि भैया चलना कहाँ से है, तो मुझे पता चल गया चलना तो मुझे टी टू से है क्योंकि इनिशियल रीडिंग यहीं से चालू हो रही है, और फाइनल राइटिंग कहाँ पे हो रही है, टी थ्री, टी थ्री कर रहा है, बचा क्या, यहाँ पे तीन ही तो ट्रांजेक्शन है, तीन ही लोग तो बैठे हुए हैं, टी वन टी टू टी थ्री, तो इसका मतलब इन बिटवीन इन दोनों के बीच में टी वन कहीं बैठा होगा, दैट इज अ टी वन यहाँ पे ये, तो भाई इनिशियल वाला जो होगा सबसे पहले खड़ा होगा, जो फाइनली काम कर रहा है वो सबसे लास्ट में खड़ा होगा क्यू में, तो मिडिल में कौन बचा, एक ही तो आदमी बचा है, तो वो कहाँ खड़ा हो जाएगा, बीच में, वो लास्ट में नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट वाला बोलेगा मैं तो लास्ट में था ही, पहले खड़े होने की कोशिश करेगा तो भी उसे मना कर दिया जाएगा, भाई नंबर वन पे तो मैं बैठा ही हूँ, इनिशियल रीड है मेरा, आई मीन सबसे पहले मैंने काम करना चालू किया, तो कुल मिला के टी वन का नंबर कहाँ आ जाएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा क्योंकि तीन ही लोग हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो टी टू टी वन यहाँ पे दिख रहा है, देन यहाँ पे टी टू टी थ्री दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि टी टू के बाद ही टी वन का नंबर आ रहा है, ये देखो, और यहाँ पे भी देख सकते हो टी टू के बाद ही टी थ्री का नंबर आ रहा, तो ये वाली कंडीशन से ये तो पता चल गया कि ये सही बैठा था टी टू एंड टी थ्री, और आपने यहाँ पर देख लिया, एक्चुअली हम यहाँ से ऑर्डर को गेस कर सकते हैं इनिशियल एंड फाइनल से, तो हमारे पास आउट ऑफ सिक्स जो कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, जैसे टी वन टी टू टी थ्री, या किसी ने कहा जी टी थ्री टी टू टी वन ले लीजिए, तो इस तरह के जो छह कॉम्बिनेशन बनेंगे उसमें से करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, जो ये व्यू सीरियलाइजेबल इस नॉन सीरियल के इक्विवेलेंट होगा, तो वो ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, दैट इज अ टी टू टी वन टी थ्री, आई राइट हियर वंस अगेन टी टू टी वन एंड टी थ्री, तो हमें छह में से ये एक ऑर्डर मिल गया जो इस S के, I mean इसका नाम मैंने S रख दिया, तो इस S के इक्विवेलेंट होगा, और इसको आप S डैश ले लीजिए, तो ये S और ये S डैश इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या आ गया था, नॉन कॉन्फ्लिक्ट आया था, जब नॉन कॉन्फ्लिक्ट आया तो हमें इसको व्यू चेक करना था, तो आई गॉट दैट द आंसर, आंसर ये आया कि S डैश हमें मिल गया, एंड उसका जो ऑर्डर होगा वो टी टू टी वन टी थ्री होगा, इसका मतलब सबसे पहले टी टू अपना काम खत्म करेगा, इफ आई राइट दिस कि कैसे वो होगा, ओहो सॉरी पूरा ही डिलीट हो गया, अंडू का ऑप्शन नहीं है इसमें, नो इशू, आई राइट हियर, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो एस डैश होगा वो कुछ ऐसे काम करेगा, पहले हम यहाँ पर टी टू के सारे ऑप्शंस डाल देंगे, टी टू यहाँ पे क्या काम कर रहा था, आर बी देन आर ए एंड लास्ट में उसका डब्लू बी था, तो वो ऊपर आ जाएगा, देन टी टू के बाद कौन काम कर रहा था, टी वन, तो यानी कि टी वन अपना सारा काम करेगा, एंड देन उसके बाद जब ये टी वन खत्म कर लेगा तब ये टी थ्री काम करेगा, दैट इज आर ए एंड डब्ल्यू बी, तो वो जो हमारा प्रॉब्लम था एस वो आपके पास ऑलरेडी होगा, तो वो एस यहाँ पर क्या होगा, उस एस के ये इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल कुछ ऐसा होगा, आपको एग्जाम में दिखाना पड़ेगा कि आपने यहाँ पे लिखा है ना टी टू टेंस टू टी वन टेंस टू टी थ्री, तो वो आप यहाँ पे बना के भी दिखाएंगे वो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा जो ये एस डैश है जो आपने व्यू, तो दैट्स वाई इट इज अ व्यू सीरियलाइजेबल, ये जो प्रॉब्लम था वो व्यू सीरियलाइजेबल तो है बट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं था, नॉन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमने ये व्यू को चेक किया था, तो दिस इज द वे यू कैन डू। सामर्थ आई होप ये क्लियर हुआ होगा तुम्हें।
सामर्थ, आर यू गेटिंग? सामर्थ ने लिखा कि यस, क्लियर हो गया. नाउ आई हैव टू मोर प्रॉब्लम्स, दैट इज अ फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉब्लम. आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज टाइम हो गया आप लोगों का नेक्स्ट क्लास का. तो दैट आई विल डू.